मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक मनीषा का पाठ 21, जो कि है पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। पत्र मन के भावों को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है। पत्र के माध्यम से हम दूर बैठे अपने मित्रों व सगे संबंधियों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, किंतु आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में केवल कुछ क्षणों का ही समय लगता है। फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी शादी के निमंत्रण पत्र, सरकारी पत्र, आवेदन पत्र आदि लिखकर ही भेजे जाते हैं। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय पत्र पाने वाले की आयु, पद और योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। पत्र संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। पत्र की लिखावट स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक रूप से काट-छाँट नहीं करनी चाहिए। पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन होना चाहिए। तो हमने देखा कि पत्रों के द्वारा हम अपने उन मित्रों, संबंधियों आदि से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं जो हमसे दूर है। साथ ही विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों आदि से भी संपर्क हो सकता है पत्रों के माध्यम से। हम अपनी समस्याओं के बारे में भी अनेक अधिकारियों से पत्र के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो थी पत्र की उपयोगिता। अब पत्र लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमने पढ़ा था कि पत्र लिखते समय अपने और पत्र पाने वाले की आयु, योग्यता और पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में केवल आवश्यक बातों का ही समावेश होना चाहिए, अनावश्यक बातों का नहीं। पत्र की भाषा सरल तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। पत्र लिखते समय शुद्ध एवं स्वच्छ लेख का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में लिखने वाले का नाम, पता तथा दिनांक का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। पत्र में पाने वाले का नाम तथा पता भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। अब देखते हैं पत्रों के प्रकार। तो पत्र मुख्य रूप से दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है इनको, क औपचारिक पत्र और ख अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जिन व्यक्तियों से पत्र लेखन का कोई व्यक्तिगत या निजी संबंध नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को, किसी अधिकारी को, संपादक को, पुस्तक विक्रेता या प्रकाशक को तथा अन्य कंपनियों एवं संस्थाओं के अधिकारियों को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत ऐसे पत्र आते हैं जो अपने परिचितों, मित्रों, संबंधियों आदि को लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, मित्र, सखी आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब पत्र लिखते समय कुछ सावधानियाँ भी रखनी चाहिए। कार्यालयी पत्र में नपी तुली भाषा का प्रयोग होता है। बहुत कम शब्दों में उनको लिखना होता है। सभी पत्रों में अभिवादन का उल्लेख अवश्य होता है, चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक। व्यावसायिक पत्र में कुशल क्षेम जैसी घरेलू तथा पारिवारिक बातें नहीं लिखी जाती, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें कुशल क्षेम पूछना, अगले की या सामने वाले की तबीयत वगैरह के बारे में पूछना जैसी बातें, घरेलू तथा पारिवारिक बातें नहीं लिखी जाती हैं। और निजी पत्रों में कुशल क्षेम पूछा जाता है तथा उसमें आत्मीयता रहती है, अपनेपन का एहसास रहता है उसमें। अब देखते हैं पत्र के मुख्य भाग। तो पत्र लेखन के 8 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है इसे। सबसे पहले प्रेषक का पता, फिर तिथि, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, समाप्ति, प्रेषक का संबंध और प्रेषक का नाम। आपकी इन अंगों को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रेषक का पता और दिनांक को एक साथ रख दिया गया है। तो प्रेषक का पता बाईं ओर लिखा जाता है तथा उसके नीचे दिनांक लिखी जाती है। विषय संकेत, तो औपचारिक पत्रों में दिनांक के नीचे पत्र जिस बारे में लिखा गया है उसका शीर्षक लिखा जाता है। तीसरा, संबोधन तथा अभिवादन। तो पत्र के बाईं और नीचे हाशिए की तरफ, यानी जहां पत्र खत्म होता है, पता खत्म होता है, उसके नीचे जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उस व्यक्ति के अनुरूप संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग किया जाता है। फिर विषय वस्तु, यह पत्र का मुख्य अंग है।
पत्र के इस भाग में संबंधित विषय का संक्षिप्त तथा स्पष्ट विवरण लिखना चाहिए कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, और मुख्यतः ये औपचारिक पत्रों में विषय देना जरूरी होता है। उसके बाद समाप्ति, तो पत्र की समाप्ति पर प्रेषक को पत्र प्राप्तकर्ता के संबंध में संबंध के अनुसार समापन सूचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे तुम्हारा शुभचिंतक, आपका आज्ञाकारी, भवदीय आदि। पत्र भेजने वाले का पता, यह सबसे अंत में लिखा जाता है। सरकारी और व्यावसायिक पत्रों में हस्ताक्षर और नाम के नीचे अपना पता भी लिखते हैं। पत्र का प्रारूप देखते हैं, तो ऊपर की पंक्तियों में प्रेषक का नाम और पता, इसके बाद दिनांक, इसके बाद संबोधन जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद यथायोग्य अभिवादन, मतलब जिस पद पर या जिस आयु वर्ग का व्यक्ति है उस अनुसार उन्हें अभिवादन लिखते हैं। उसके बाद कुशलक्षेम, अगर हम औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो कुशलक्षेम का ज्ञापन, अपनी अपने बारे में बताना, उनके बारे में जिनको पत्र लिखा है उनके पूरे बारे में पूछना। उसके बाद मुख्य बिंदु, मुख्य विषय वस्तु में कि पत्र से संबंधित सूचना या जो विषय है उसके बारे में। उसके बाद में समापन और अंत में संबंध का उल्लेख कि जो संबंध है आप पत्र लिखने वाले का, भेजने वाले को, उसका संबंध, और उसके बाद में जो पत्र लिखता है उसका नाम। इसी तरह जो अनौपचारिक पत्र औपचारिक पत्र होते हैं, जो कार्यालयी कार्य में या फिर प्रधानाध्यापक या और किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, उनका प्रारूप इस प्रकार होता है। सबसे ऊपर सेवा में, उसके बाद में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी, फिर विद्यालय का नाम और उसका पता, उसके बाद विषय, किस वजह से पत्र लिखा जा रहा है उसका वजह लिखनी होती है विषय के अंतर्गत। उसके बाद महोदय प्रधानाचार्य है तो महोदय, प्रधानाचार्य है तो महोदया, श्रीमान अथवा श्रीमत, इस तरह से भी संबोधन करते हैं। उसके बाद मुख्य विषय वस्तु, और उसके बाद समापन, और अंत में धन्यवाद, और उसके बाद संबंध, भेजने वाले का, और उसके बाद प्रेषक का नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, दिनांक। क्योंकि यह पत्र प्रधानाचार्य को लिखा जा रहा है इसलिए कक्षा, स्कूल और आपका अनुक्रमांक, दिनांक वगैरह लिखते हैं। अब देखते हैं औपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण। सबसे पहला है चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सबसे पहले सेवा में, उसके बाद ये क्योंकि प्रधानाचार्य जी को लिखा जा रहा है इसीलिए प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च विद्यालय और ये स्थान है देहरादून, विषय है चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु। उसके बाद संबोधन में महोदय लिखा है, और फिर विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु में लिखा है कि सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिताजी सिंचाई विभाग में इंजीनियर हैं, उनका स्थानांतरण अब दिल्ली हो गया है, परिवार के सभी सदस्य उनके साथ दिल्ली जा रहे हैं, अतः मुझे भी उनके साथ जाना होगा। दिल्ली के विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, इसीलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरा चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। इस कृपा के लिए मैं सर्वदा आपके प्रति कृतज्ञ रहूँगा। इस प्रकार ये समापन हुआ, और उसके बाद धन्यवाद, और फिर पत्र भेजने वाले का पता, आपका आज्ञाकारी शिष्य, कखग, कक्षा 7वीं A, और दिनांक। इस प्रकार ये एक उदाहरण दिया गया है कि प्रधानाचार्य को यानी विद्यालय में अगर आप प्रार्थना पत्र भेजते हैं तो वह किस तरह का होगा। दूसरा उदाहरण है परीक्षा के दिनों में बार बार बिजली जाने से उत्पन्न असुविधा के कारण नगर विद्युत बोर्ड के महाप्रबंधक को पत्र। इसकी विषय वस्तु इस प्रकार होगी, सेवा में महाप्रबंधक महोदय, मेरठ विद्युत बोर्ड, मेरठ, यानी स्थान का नाम भी दिया हुआ है। इसके बाद दिनांक, फिर विषय बिजली की अधिक कटौती के संबंध में। अब यहाँ पर परीक्षा के समय में बिजली बार बार कट रही है, लेकिन वो सब हमें नहीं लिखना है, सिर्फ विषय को बहुत कम शब्दों में लिखा है कि बिजली की अधिक कटौती के संबंध में यह पत्र है। उसके बाद संबोधन, तो महोदय,
विषय वस्तु में मैं इस पत्र द्वारा आपका ध्यान नवीन कच्ची सड़क क्षेत्र में बिजली के संकट से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में घंटों बिजली नहीं होती, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को, विशेषकर विद्यार्थियों को, अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बीच बीच में 10 मिनट के लिए बिजली आती है तो राहत का अनुभव होता है, परंतु थोड़ी ही देर में फिर से चली जाती है। लगता है मानो बिजली आँख मिचोली खेल रही है। ऐसा प्रतिदिन होता है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी ठीक तरह से नहीं कर पाते। यदि यह क्रम और जारी रहा तो इससे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम पर बुरा असर प्रभाव पड़ेगा। उनका भविष्य डगमगा जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। और इसके बाद समाप्ति में धन्यवाद, और उसके बाद भवदीय, और जिसने पत्र लिखा है उसका नाम लिखना होता है, लेकिन यहाँ कोई नाम नहीं है तो हम कखगर लिखेंगे। अगला, सहपाठी के प्रशंसनीय और साहसपूर्ण व्यवहार के लिए उसे सम्मानित कराने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु है सहपाठी, यानी जो साथ में पढ़ने वाले हैं, उनके साहसपूर्ण कार्य के लिए उन्हें सम्मानित करने हेतु। जैसे प्रार्थना पत्र लिखते हैं उसी तरह से इसमें सबसे पहले सेवा में, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आनंद पब्लिक स्कूल, गंगानगर, सहारनपुर। विषय है सहपाठी को साहसपूर्ण कार्य के लिए सम्मानित कराने हेतु। विषय वस्तु में, महोदय, मैं आपके विद्यालय में 7वीं A कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपको अपनी कक्षा के सहपाठी अंकित शर्मा के प्रशंसनीय और साहसी कार्य से अवगत कराना चाहता हूँ। 2 दिन पूर्व विद्यालय के 7वीं कक्षा के छात्रों का एक दल ताजमहल देखने गया था। कुछ छात्र ताजमहल की सुंदरता को निहार रहे थे और कुछ छात्र ताजमहल के पीछे यमुना नदी का दृश्य देख रहे थे। किंतु तभी अचानक हमारा एक सहपाठी यमुना नदी में गिर गया। यह देखते ही अंकित शर्मा ने नदी में छलांग लगा दी और राहुल को नदी में डूबने से बचा लिया। मान्यवर, अंकित का यह कार्य सचमुच प्रशंसनीय और साहसिक है। मेरी ही नहीं, कक्षा के सभी विद्यार्थियों की इच्छा है कि अंकित शर्मा के इस साहसिक कार्य हेतु विद्यालय की सभा में सम्मानित किया जाए। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, जिसका नाम नहीं है इसीलिए यहाँ पर कखग लिखा है, कक्षा 7वीं A। और जिस दिन ये पत्र लिखा गया है या लिखते हैं उस दिन की दिनांक लगाते हैं। अगला उदाहरण है अनौपचारिक पत्रों का। सबसे पहले, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई पत्र। क्योंकि अनौपचारिक पत्र में हमने पढ़ा है कि अपने संबंधियों, मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर छोटे भाई को पत्र लिखकर वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने की बधाई देने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। तो इसकी विषय वस्तु इस प्रकार होगी, भेजने वाले यानी प्रेषक का पता 203/4 ओमेक्स हाइट्स, मुरादाबाद, दिनांक, और फिर संबोधन तो प्रिय आदित्य, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है इसीलिए ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय आदित्य सस्नेह, क्योंकि बड़ा भाई लिख रहा है, पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने तुम्हारे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के विषय में भी लिखा था। इस विजय के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। तुम सदा से ही तर्कपूर्ण बातें करने में निपुण रहे हो, जिसके परिणाम स्वरूप ही तुमने आज यह सफलता पाई है जो तुम्हारे सामने है। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम भविष्य में इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहो। मम्मी पापा को मेरा सादर प्रणाम कहना, तुम्हारा बड़ा भाई कखग। इस तरह से समाप्ति और पत्र भेजने वाले का पता और संबोधन। दूसरा पत्र है अपनी सखी को जन्मदिन पर आने के लिए निमंत्रण पत्र। एक निमंत्रण पत्र का प्रारूप दिया है, जिसका पता, प्रेषक का पता लिखा है 128/4 विवेक विहार, दिनांक, और उसके बाद में संबोधन में, प्रिय सखी, सप्रेम नमस्ते। तुम्हें याद ही होगा कि आगामी 29 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर मैंने अपनी सभी सखियों को बुलाया है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रातःकाल 9 बजे हवन, दोपहर का भोजन, सायंकाल को प्रीति भोज तथा उसके बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया है। दिन में सभी सखियों के साथ मनोरंजन कार्यक्रम भी होगा।
इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें अपने माता पिता के साथ आने का निमंत्रण भेज रही हूँ। आशा है कि तुम इसे स्वीकार करोगी और आकर मेरे प्रति स्नेह तथा मित्रता का परिचय दोगी। शेष बातें मिलने पर होगी। तुम्हारी सखी क ख ग। तो इस प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं।